तो ये हमारा चना चाट बनके तैयार है। चना चाट बनाने के लिए हमने 100 ग्राम चना लिया, उसे 6 से 7 घंटे भिगोने के लिए छोड़ दिया था और उसे 3 से 4 सीटी लगा के उसे पका लिया है। ये देखिए हमारा चना कुछ इस प्रकार से पक गया है। इसे 4 से 5 सीटी में बॉयल कर लेंगे कुकर में ताकि अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम बनाएंगे इसकी चाट। तो उसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे, थोड़ी सी तेल हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच और खड़ा जीरा डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये हमारा जो उबले हुए चने हैं उसे डालेंगे और इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। केवल भूनना है इसे। तो इसी प्रकार से आप चलाते रहें। तो ये देखिए हमारा चना थोड़ा सा रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च इस स्टेज में डालेंगे। शुरू में हम नहीं डालेंगे, नहीं तो बिल्कुल ज़्यादा पक जाता है, तो हमें कुछ हरी रखनी है मिर्ची को। तो ये देखिए इसी प्रकार से हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे इसे। तो अब हम इसे मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये थोड़ी सी भुना हुआ जीरा का पेस्ट बना के हमने डाला है। मसाले हमने बिल्कुल छोटी चम्मच से, आधी चम्मच से भी कम डाला है इसमें, बिल्कुल 1 चुटकी के आसपास। तो मसाले को डाल के हम 2 से 3 मिनट से भी भून लेंगे। तो ये हमारा भून गया है। तो हम एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें सारे मसाले हम ऐड करेंगे जो कि हमारा चाट बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके लिए हमने लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और ये आमचूर पाउडर हमने डाला है, उसकी जगह आप जलजीरा भी डाल सकते हैं, और चाट मसाला और थोड़ी सी नींबू और आधी टमाटर और आधी प्याज हमने लिया है। बिल्कुल बड़े साइज का हमारे पास प्याज था तो आधी आधी लिया है हमने। उन सबको काट के इस प्रकार से बारीक बारीक इसे मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से मिल गया है। तब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा चाट बन के तैयार है। बिल्कुल चटपटी तीखी, जो ठेले वाले के यहाँ मिलते हैं उस प्रकार से इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल चटपटी काले चने की चाट बन के तैयार है। तो ठेले वाले जो जिस प्रकार से खोंचे में देते हैं उसी प्रकार से हमने यहाँ पे खोंचे तैयार करके इसमें थोड़ी सी डाल के उसकी फीलिंग हम लेंगे कि बहुत ही ये मज़ेदार और टेस्टी चाट बनता है ये। आप अपने घर पे इस प्रकार से चाट को बना के ज़रूर खाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। बहुत ही मज़े आते हैं इस प्रकार के चाट बना के खाने से। तो ये देखिए हमारे ठेले वाले जैसे खोंचे में भर के चाट कितना अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।